दोस्तों भारत देश ने अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है और अपने भारत देश के लिए कुछ न कुछ कार्य जरूर किए हैं। उन महापुरुषों में एक महान पुरुष है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में जाकर अपने भारत देश के धर्म को विश्व भर में ख्याति दिलाई है। दोस्तों पूरे विश्व भर में ख्याति दिलाने का काम अपने भारत देश को, पूरे विश्व में ख्याति दिलाने का काम सही रूप से देखा जाए तो किसने किया है? स्वामी विवेकानंद जी ने किया है। उनका आकर्षक व्यक्तित्व और प्रभावशाली मुखमंडल के कारण लोग उनकी भाषण की ओर आकर्षित हो जाते थे। उनका भाषण आकर्षक था, भाषण करने का उनका जो ढंग था वो बहुत ही अच्छा था। देखिए ऐसे महान पुरुष के बारे में हम जो 50वां हिस्सा है उसकी जानकारी देखने वाले हैं। पहला जो हिस्सा हुआ है उस हिस्से को मैं अभी सिर्फ पढ़ता हूँ और उसके बाद उसके आगे का जो है उसे कंटिन्यू करता हूँ। देखिए एक बालक को कहानी पढ़ने का शौक था। उसकी वाणी और कहानी पढ़ने का ढंग इतना आकर्षक था कि सहपाठी अपनी सूझबूझ छोड़ देते और उनकी कहानी सुनते रहते। एक दिन वह सहपाठियों को कहानी सुना रहा था। सभी बालक कहानी सुनने में मग्न थे। उनको पता ही नहीं चला कि शिक्षक ने कक्षा में आकर पढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। कुछ देर बाद जब शिक्षक ने फुसफुसाहट सुनी तो वे समझे कि कुछ बालक वार्तालाप कर रहे हैं। उन्होंने उन्हें डांटते हुए एक एक करके सभी विद्यार्थियों से पाठ के बारे में पूछा। एक विद्यार्थी छोड़कर कोई भी उत्तर नहीं दे पाया। उत्तर देने वाला विद्यार्थी वही था जो कहानी सुना रहा था। उसकी त्रुटि यही थी कि वह एक साथ कई स्थानों पर ध्यान लगाने की क्षमता रखता था। शिक्षक ने कड़क कर पूछा इतनी देर से कौन बातें कर रहा था। अन्य विद्यार्थियों ने सही उत्तर देने वाले विद्यार्थी की ओर इशारा कर दिया। शिक्षक को विश्वास नहीं हो रहा था, फिर भी उसने सही उत्तर देने वाले विद्यार्थी को छोड़कर सभी को खड़े रहने का दंड दिया। सभी के खड़े होने पर वह बालक भी खड़ा हो गया। शिक्षक ने कहा तुम्हें खड़े होने की जरूरत नहीं क्योंकि तुमने सही जवाब दिया है। बालक ने कहा मुझे भी खड़ा होना चाहिए क्योंकि मैं ही बातें कर रहा था। शिक्षक को बालक की दो स्थानों पर एक साथ ध्यान लगाने की क्षमता पर बहुत आश्चर्य हुआ। इस बालक का नाम था नरेंद्र, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हुआ। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 ईस्वी सदी को उत्तरी कोलकाता के शिमला नामक मोहल्ले में हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। विवेकानंद ने सन 1879 ईस्वी सदी में कोलकाता के मेट्रोपॉलिटन स्कूल से प्रथम श्रेणी में एंट्रेंस की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके पश्चात जनरल असेंबली कॉलेज से सन 1881 ईस्वी सदी में एफए तथा सन 1863 ईस्वी सदी में बीए की परीक्षा पास की। वे बड़ी ही कुशाग्र बुद्धि के विद्यार्थी थे। उनके बारे में कॉलेज के अध्यापक विलियम हेस्टी कहा करते थे नरेंद्रनाथ सचमुच ही एक जीनियस है। मैं बहुत स्थानों पर घुमा हूं परंतु इसके जैसी बुद्धि और बहुमुखी प्रतिभा कहीं नहीं देखी। विवेकानंद साधारण बालक नहीं थे। वे बचपन में खेलते खेलते ही गंभीर ध्यान में डूब जाते थे। साधु संन्यासियों को देखते ही अनजाने आकर्षण से दौड़कर उनके पास चले जाते थे। वे भजन कीर्तन में भी भाग लेते थे और बहुत मधुर स्वर में गाते थे। उन्होंने ब्रह्म समाज को अपनाया पर ब्रह्म समाज उनकी आध्यात्मिक भूख को शांत न कर सका। उनका मन सत्य की खोज करने के लिए व्याकुल रहने लगा। काफी भटकने के बाद विवेकानंद स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए।
स्वामी रामकृष्ण भी विवेकानंद जैसा शिष्य पाकर अति प्रसन्न हुए। रामकृष्ण से मिलने के बाद विवेकानंद आध्यात्मिक और आध्यात्मिक की ओर झुकते गए। उनके मन में वैराग्य की भावना बढ़ती गई। संन्यास धारण करके वे आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में हिमालय पर चले गए। हिमालय पर्वत पर स्वामी विवेकानंद ने कई वर्षों तक तप साधना की। वहां उन्हें अनेक प्रकार के कष्ट सहन करने पड़े। हिमालय की भयंकर ठंड में उन्हें अनेक बार नंगे बदन सोना पड़ा, जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा। हिमालय से लौटकर स्वामी जी ने पूरे भारत का पैदल भ्रमण किया। इस दौरान सभी वर्गों के लोगों से उनका परिचय हुआ। उन्होंने सभी को धर्म और नीति के उपदेश दिए। स्वामी जी जहां भी जाते थे, लोग उनकी प्रतिभा, आकर्षक व्यक्तित्व, कांतिपूर्ण मुखमंडल और चुंबकीय दृष्टि से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते थे। उनका रूप जितना भव्य और सुंदर था, उतने ही वे सरल और विनम्र थे। वे सभी को स्नेह और आदर देते थे। अब इसके आगे का देखो। उन्हीं दिनों अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन होने जा रहा था। उन्हीं दिनों मतलब कब? जब स्वामी जी अपने भारत देश में सभी स्थानों पर घूमते हुए वे भाषण दे रहे थे, धर्म और नीति का भाषण दे रहे थे। उन्हीं दिनों में अमेरिका में क्या लग रहा था? विश्व धर्म सम्मेलन होने जा रहा था। अनेक लोगों ने स्वामी जी की प्रतिभा को देखकर उनसे इस सम्मेलन में भाग लेने का आग्रह किया। देखो, अपने जो भारतीय लोग हैं, उन भारतीय लोगों ने स्वामी जी को कहा है कि आप भी क्या करो कि अमेरिका में जो विश्व धर्म सम्मेलन होने वाला है, उस विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेकर क्या करो, अपने भारत देश के जो धर्म हैं, उन धर्मों के बारे में बताओ, विश्व भर में ख्याति दिलाओ। देखो, स्वामी जी उसमें जाने को तैयार हो गए। लोगों ने उनके लिए धन इकट्ठा किया और वे 31 मई 1893 ईस्वी सदी को मुंबई से चलकर 3 जुलाई को अमेरिका पहुंच गए। देखो, लोगों ने आग्रह किया है, क्या किया? आग्रह करना या क्या? बार बार निवेदन करना। लोगों ने निवेदन रखा है स्वामी विवेकानंद जी के सामने कि आप क्या करो, अमेरिका में जो विश्व धर्म सम्मेलन होने वाला है, उस सम्मेलन में आप भाग लीजिए, अपने भारत देश की ओर से आप उसमें भाग लीजिए। देखिए, और उन्होंने क्या किया है, उस विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया है। लोगों को हार कहना है, स्वामी जी उसमें भाग लेने के लिए तैयार हुए हैं। और उन्होंने क्या किया है, तैयार होने के बाद अपने जो भारतीय लोग हैं, उन भारतीय लोगों ने क्या किया है, उनके लिए धन इकट्ठा किया है। क्या इकट्ठा किया है? धन इकट्ठा किया है। क्यों? क्योंकि आप लोग कहां जाने वाले हैं? अमेरिका जाने वाले हैं, हां, इसलिए उनके लिए धन इकट्ठा किए हैं। देखो, और वे 31 मई 1893 ईस्वी सदी को मुंबई से चलकर, अब देखो वे कहां से निकले हैं, मुंबई से निकले हैं। कब निकले हैं? 31 मई 1893 ईस्वी सदी को मुंबई से निकले हैं। 3 जुलाई को अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका में कब पहुंचे? देखो, 30 जुलाई कब पहुंचे हैं? 30 जुलाई को पहुंचे हैं। 31 मई को निकले हैं और 30 जुलाई को पहुंचे हैं। वहां जाकर पता चला कि सम्मेलन होने में अभी काफी विलंब है, उनके पास अधिक धन नहीं था, इसलिए प्रतीक्षा के दिन उन्होंने बड़े ही कष्ट में बिताए। देखो, वे विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए वहां पर गए हैं, अमेरिका में गए हैं, 31 मई को उन्होंने मुंबई से चलना शुरू किया है और वे 30 जुलाई को वहां पहुंचे हैं अमेरिका में। लेकिन वहां जाने के बाद पता चला, क्या पता चला है, कि सम्मेलन होने में अभी काफी विलंब है, मतलब बहुत दिन है सम्मेलन शुरू होने के लिए, बहुत दिन बाकी है। उनके पास अधिक धन नहीं था, इसलिए प्रतीक्षा के दिन उन्हें बड़े ही कष्ट में बिताए। देखो, उनके पास ज्यादा धन नहीं था,
विश्व धर्म सम्मेलन के लिए वे वहां गए थे, जरूर गए थे, लेकिन वहां जाने के बाद उनको पता चला कि विश्व धर्म सम्मेलन कुछ दिनों के बाद है और वहां रुकने के लिए उनके पास अधिक धन नहीं था। तब वे जो बीच में वे जो दिन गए, वे दिन उन्हें बहुत ही कष्ट में बिताने पड़े। मतलब ज्यादा कुछ खाने को नहीं मिला, अच्छी तरह से सोने को नहीं मिला, क्योंकि उनके पास जो धन था वो धन कम था, ऐसा था कम था। आगे देखो, 11 सितंबर को सम्मेलन आरंभ हुआ। देखो 31 मई को वे निकले थे और सम्मेलन आरंभ कब हुआ है? 11 सितंबर को। कब हुआ है? 11 सितंबर को सम्मेलन आरंभ हुआ है। वह उपस्थित सभी लोग सन्यासी वेशधारी भारतीय का भाषण सुनने उत्सुक थे। देखो स्वामी विवेकानंद जी वहां पर जो गए थे, वे सन्यासियों का वेश धारण करके गए थे और वहां के जो लोग थे, अमेरिका के लोग, वे अपने भारत से गए स्वामी विवेकानंद जी का भाषण सुनने के लिए उत्सुक हो गए थे। जैसे ही स्वामी विवेकानंद ने मंच पर जाकर अमेरिका की बहनों और भाइयों के संबोधन से भाषण प्रारंभ किया, वैसे ही तालियों की गड़गड़ाहट से सम्मेलन स्थल गूंज उठा। देखो स्वामी जी ने अपना भाषण शुरू करने के पहले प्रारंभ में ही वहां पर मंच पर जाकर उन्होंने क्या किया है, मंच पर जाकर अमेरिका की बहनों और भाइयों, अमेरिका की बहनों और भाइयों इस प्रकार लोगों को उन्होंने संबोधित किया है और ऐसा संबोधन करने के बाद सभी लोगों ने उनके लिए क्या बजाई है, तालियां बजाई है। क्या बजाई है? तालियां बजाई, खुश हुए हैं। तो देखिए अमेरिका की बहनों और भाइयों के संबोधन से भाषण प्रारंभ किया, वैसे ही तालियों की गड़गड़ाहट से सम्मेलन स्थल गूंज उठा। तालियों के थमने के बाद स्वामी जी के भाषण को सुनकर श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो गए। देखो तालियों की गड़गड़ाहट से वह जो माहौल था वह माहौल गूंज उठा है और भाषण देने के बाद क्या हुआ है, देखो अमेरिकावासी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि एक भारतीय धर्म पर इतना अच्छा भाषण दे सके। स्वामी जी ने पश्चिम के लोगों को बताया कि कर्म को कर्तव्य मानकर करना चाहिए। देखो स्वामी जी ने पश्चिम के लोगों को, अमेरिका में जितने भी लोग आए थे उन लोगों को बताया, क्या बताया, कि कर्म को अपना कर्तव्य मानकर करना चाहिए, उसमें फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। लेकिन स्वामी जी यहां पर बता रहे हैं कि हमें चाहे कौन सा भी काम करना क्यों ना पड़े, वो कर्म करते समय हमें क्या समझना चाहिए कि वो कर्म करना, वो काम करना मेरा क्या है, कर्तव्य है और उसमें फल की इच्छा बिल्कुल ही नहीं रखनी चाहिए। कौन बता रहे हैं? स्वामी विवेकानंद जी बता रहे हैं। कहां बता रहे हैं? वहां पर जहां विश्व धर्म सम्मेलन हुआ है वहां उन्होंने बताया है। देखो स्वामी जी अपने चमत्कारी भाषण एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व से धर्म सम्मेलन के सबसे प्रिय वक्ता बन गए। देखो जितने भी लोग वहां पर भाषण देने हेतु आए थे उन सब में, जितने भी वक्ता वहां पर आए थे उन सभी में स्वामी विवेकानंद कैसे बन गए हैं, सबसे प्रिय वक्ता बन गए हैं। कैसे बन गए हैं? सबसे प्रिय वक्ता बन गए हैं। श्रोताओं को अंत तक रोकने के लिए बस इतनी घोषणा काफी होती थी कि प्रार्थना से पहले विवेकानंद कुछ बोलेंगे। वहां के समाचार पत्र स्वामी जी की प्रशंसा से भर गए। शिकागो के राजपथों पर उनके चित्र लगाए गए। देखो सिर्फ श्रोता मंत्रमुग्ध नहीं हुए हैं, सिर्फ वे प्रिय वक्ता नहीं बने हैं, वहां के लोगों ने क्या किया है, देखो स्वामी जी की प्रशंसा हुई है। कहां प्रशंसा हुई है? वहां के अखबारों में, समाचार पत्रों में प्रशंसा हुई है। उसके साथ साथ शिकागो के जो राजपथ
थे उन राजपथों पर उनका चित्र लगाया है, बैनर बनवाकर लगाया है लोगों ने। सम्मेलन समाप्त होने के बाद स्वामी जी ने अमेरिका के अनेक नगरों में वेदांत का प्रचार किया। देखो अब सम्मेलन समाप्त हुआ है, विश्व धर्म सम्मेलन समाप्त हुआ है, उसके बाद विवेकानंद जी ने क्या किया देखो। सम्मेलन समाप्त होने के बाद स्वामी जी ने अमेरिका के अनेक नगरों में वेदांत का प्रचार किया है। वहां थोड़े दिन वहां पर रुके और उन्होंने क्या किया है, अमेरिका के कुछ नगरों में उन्होंने वेदांत का प्रचार किया है। अपने भारत देश के धर्म का प्रचार किया है, नीति का प्रचार किया है, वेदांत का प्रचार किया है। देखो सम्मेलन समाप्त होने के बाद स्वामी जी ने अमेरिका के अनेक नगरों में वेदांत का प्रचार किया। इसके बाद वे यूरोप में पेरिस एवं लंदन में उनके भाषणों को सुनने के लिए लोग उमड़ पड़े। वे स्वामी जी के वेदांत से बहुत प्रभावित थे। देखो उन्होंने यूरोप में जाकर पेरिस में जाकर वेदांत का प्रचार किया है, प्रसार किया है, और वहां के लोग उनका भाषण सुनने के लिए उत्सुक रहते थे। लोग उमड़ पड़ते थे उनका भाषण सुनने के लिए। किसका भाषण सुनने के लिए? स्वामी विवेकानंद जी का भाषण सुनने के लिए। वे स्वामी जी के वेदांत से बहुत प्रभावित थे। वहां के लोग उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति इतनी अधिक बढ़ गई कि अनेक लोग शिष्य बनकर उनके साथ ही भारत चले आए। देखो स्वामी विवेकानंद क्या किया है, अमेरिका के कुछ नगरों में वेदांत का प्रचार किया है, और उनका भाषण सुनकर कुछ लोग इतने प्रभावित हुए कि वे वहां से कहां आए हैं, भारत आए हैं, उनके साथ अपने भारत देश में आए हैं। देखिए 3 साल अमेरिका और यूरोप में रहने के बाद स्वामी विवेकानंद 16 दिसंबर 1896 ईस्वी सदी को जलयान से स्वदेश के लिए रवाना हुए। अब वे जलयान से वहां से निकले हैं, कहां से निकले हैं, अमेरिका से निकले हैं। उन्होंने वहां पर कितने साल गुजारे हैं, 3 साल। 3 साल अमेरिका और यूरोप में रहने के बाद स्वामी विवेकानंद 16 दिसंबर 1896 ईस्वी सदी को जलयान से स्वदेश के लिए रवाना हुए। स्वदेश के लिए रवाना हुए मतलब कहां आने लगे हुए, भारत आने लगे हैं। 15 जनवरी 1897 ईस्वी सदी को स्वामी जी कोलंबो तट पर उतरे तो वहां उनका अभूतपूर्व स्वागत किया गया। देखो 15 जनवरी 1897 ईस्वी सदी को वे कोलंबो तट पर उतरे हैं। कहां उतरे हैं, कोलंबो तट पर उतरे हैं, और वहां पर लोगों ने क्या किया है, उनका स्वागत किया, और कैसा स्वागत किया है, अभूतपूर्व मतलब जो पहले न हुआ हो, जिस प्रकार का स्वागत इसके पहले कभी भी नहीं हुआ है, वैसा स्वागत लोगों ने किया है। किसका किया है, स्वामी विवेकानंद जी का स्वागत किया है। देखो 20 जनवरी को स्वामी जी जब कोलकाता पहुंचे तो वहां उनके अभिनंदन की बाढ़ सी आई। पूरा कोलकाता अपने विश्व विजयी पुत्र के आगमन से मतवाला हो उठा। कोलकाता ही नहीं सभी देशवासी विदेश में स्वामी जी के सम्मान पर आत्मगौरव से भर उठे। देखो सभी को अच्छा लगा, सभी भारतवासियों को अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि वहां पर अमेरिका में जाकर वहां के कुछ नगरों में घूमकर स्वामी जी ने क्या किया है, अपने भारत देश को क्या दी है, वहां जाकर ख्याति दिलवाई है, प्रसिद्धि दिलवाई है। वेदों का प्रसार किया है, प्रचार किया है। देखो देश विदेश में अविराम भाषण और भ्रमण के कारण स्वामी जी का स्वास्थ्य गिरता चला गया। देखो अमेरिका से अब स्वामी विवेकानंद जी कहां आए हैं, भारत देश में आए हैं, और भारत देश में आने के बाद उनका अभूतपूर्व क्या किया गया है, स्वागत किया गया है।
स्वामी जी का स्वास्थ्य गिरता चला गया, अब वे थक गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने 3 साल अमेरिका में वेदांत का प्रचार किया है, प्रसार किया है, भारतीय धर्म के, भारतीय धर्म और नीति के बारे में वहां के लोगों को बताया है, विश्व भर में ख्याति दिलाई है। किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने। भारत के धर्म किस प्रकार महान है, किस प्रकार श्रेष्ठ है, वहां के लोगों को बताया है, समझाया है। और अब वे कहां आए हैं? जब वे भारत आए तब वे थक गए हैं। देखो, देश विदेश में अविराम भाषण और भ्रमण के कारण स्वामी जी का स्वास्थ्य गिरता चला गया, परंतु उन्होंने इसकी परवाह न करते हुए सन 1897 ईस्वी सदी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और देश भर में इसकी शाखाएं खोली। देखो, स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका से लौटकर भारत आए तब वे पूरी तरह से थक गए थे, फिर भी उन्होंने क्या किया है? उन्होंने क्या किया है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। कब की? सन 1897 ईस्वी सदी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और देश भर में इसकी शाखाएं खोली हैं। ढाका, कोलकाता और बेलूरगा यानी तमिलनाडु में स्थान स्थान पर सेवाश्रम खोले। देखो, रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने का उद्देश्य क्या था? लोगों की सेवा करना। क्या करना? लोगों की सेवा करना। और उन्होंने सेवाश्रम खोले। 1897 ईस्वी सदी में जब भारत में प्लेग की महामारी फैली तो रामकृष्ण मिशन ने पीड़ितों की सेवा की। देखो, 1897 ईस्वी सदी में जब भारत देश में प्लेग सेवा की थी उन्होंने, उस मिशन के अंतर्गत रामकृष्ण मिशन द्वारा उन्होंने क्या किए? सेवाश्रम खोले और लोगों की सेवा की थी। 4 जुलाई 1902 ईस्वी सदी को स्वामी जी ने संध्या के समय जाप किया, फिर ध्यान में बैठ गए। रात्रि को इसी ध्यान की अवस्था में उन्होंने देह त्याग दी। देखो, अब इस पाठ का जो अंतिम हिस्सा है उस अंतिम हिस्से की ओर हम आए हैं। आगे देखो, 4 जुलाई 1902 ईस्वी सदी को स्वामी जी ने संध्या के समय जाप किया, फिर ध्यान में बैठ गए। रात्रि को इसी ध्यान की अवस्था में उन्होंने देह त्याग दी। उसी समय उनकी आयु मात्र 39 वर्ष थी। देखो, संध्या के समय वे जाप कर रहे थे। जाप करना मतलब ऐसे हाथ में माला लेकर ऐसे फेरना, और वो जाप करने के बाद वही वे ध्यान में बैठ गए। और उसी समय जब वे ध्यान में बैठ गए तब वो ध्यान में ही क्या हो गया है? उन्होंने अपनी देह त्याग दी है, मतलब उनका मृत्यु हुआ है। दोस्तों, उसी समय उनकी आयु मात्र कितनी थी? 39 वर्ष। देखो, कन्याकुमारी में समुद्र के बीच में स्थित विवेकानंद स्मारक उनकी स्मृतियों को सजाए हुए हैं। देखो, उनका स्मारक है, कहां है उनका स्मारक? कन्याकुमारी में। कहां है? कन्याकुमारी में, समुद्र के बीच में। कहां है? समुद्र के कन्याकुमारी में समुद्र के बीच में स्थित विवेकानंद स्मारक उनकी स्मृतियों को सजोए हुए हैं। इसी स्थान पर उन्होंने अमेरिका की यात्रा करने से पूर्व ध्यान किया था। स्वामी जी ने नवजागरण और ज्ञान का ऐसा दीपक जलाया है जो युगों युगों तक अपने प्रकाश की आभास से संसार को आलोकित करता रहेगा। आलोकित, आलोकित जाने प्रकाश, आलोकित जाने प्रकाश। देखो यहां पर अंत में क्या कहा है, स्वामी जी ने नवजागरण और ज्ञान का दीपक ऐसा जलाया है
कि जो युगों युगों तक जलता रहेगा, युगों युगों तक अपने प्रकाश की आभा से संसार को क्या करेगा, आलोकित करेगा, प्रकाशित करेगा। ऐसे थोर महापुरुष स्वामी विवेकानंद, इनके बारे में आज हम ये जानकारी देखी है और यह जानकारी पूरी हो गई है। धन्यवाद।